हरे कृष्णा, नमस्ते मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू ग्लोसी पोर्टिगो सर्व संपूर्ण चैनल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, ये एक स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन वीडियो है लड्डू गोपाल जी का, और कुछ पूजा से संबंधित और भी इसमें सामग्री है जो मैं शो करूंगी आपको कि कैसे ऑर्गेनाइज किया है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दिखाती हूँ कैसे मैंने लड्डू गोपाल का सारा सामान इसमें ऑर्गेनाइज करके रखा है। नेकलेस और मुकुट इनका मंदिर के ड्रॉअर में रहता है, बाकी इनके कपड़े और भी चीजें यहाँ पर रहती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये पिंक ट्रंक जो छोटा सा है उसमें क्या रखा है, फिर ग्रीन देखेंगे एंड लास्ट में वुडन देखेंगे। मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। यह है लड्डू गोपाल जी का ब्लैंकेट, थोड़े से बेडशीट्स और तकिया, बोल्स्टर्स, और ये भी बेड है। ये सारी चीज़ें इधर रखी हैं जो डेली मैं फोल्ड करके यहाँ रख देती हूँ, फिर नाइट में उन्हें शयन कराने से पहले ये सब का यूज़ कर लेती हूँ। नेक्स्ट है ये बैग छोटा सा, इसमें लड्डू गोपाल जी की सारी लंगोटी, नैपीज ये रखे हुए हैं। मेरे पास लड्डू गोपाल जी का कुछ बड़ा अलमीरा या ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स आप यूज करोगे तो काफी आसानी रहेगी उनके ड्रेसेस और हर चीज ऑर्गेनाइज करने में। ये रही लंगोटी और नैपीज, ये बैग देख लेते हैं। इसमें है उनके डेली वेयर के ड्रेसेस, हैवी ड्रेसेस नीचे ग्रीन वाले बॉक्स में हैं। ये देखिए, सब मैंने तह लगा के रख दिया है। ये कुल मिलाकर 13 से 14 ड्रेसेस हैं जो डेली वेयर में यूज होते हैं। इसके अलावा कोई भी ड्रेस मेरे पास डेली वेयर के लिए नहीं है, बाकी सारी हैवी ड्रेसेस है जो मैंने ऑलरेडी ड्रेस कलेक्शन लड्डू गोपाल जी का शो कर दिया है चैनल पर, आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। ये तो रहे ड्रेसेस। इसमें थोड़ा सा क्राफ्ट का सामान है, रेशम के धागे हैं, मोतियां हैं, कुछ भी माला वगैरह बनानी है भगवान की तो यूज आता है। ये उनके इयररिंग्स के बॉक्स है, ये 2 इत्र के डब्बे हैं, ये भी उनके छोटे छोटे बॉक्स है, कभी हम फेस्टिवल में कुछ यूज करते हैं तो इसमें डाल के मैं रख देती हूँ। ये इत्र का कलेक्शन है डिफरेंट टाइप के, केवड़ा, बेला, चंदन, हर एसेंस में ये इत्र है, नॉन अल्कोहल इत्र है, ये भगवान के लिए ही है, वृंदावन से मैंने मंगवाया था। ये भी छोटा सा बॉक्स है जिसमें कुछ निक नैक सामान, छोटे मोटे जो इधर उधर रहते हैं वो मैं इसमें रख देती हूँ। अब आते हैं इस बॉक्स में, ये है भगवान जी के शयन करने टाइम पहनने वाले वस्त्र, जब वो सोते हैं तो इस तरीके के छोटे छोटे कुर्ते, ये हाथ से बने हुए हैं, सिले हुए हैं, ये देखिए, ये भी है छोटे से कुर्ते, और कुछ कॉटन के ड्रेसेस है, ये नाइट सूट का पैजामा है उनका, ये कुर्ता है, इस तरीके के ड्रेसेस है, ये सब इनमें रखती हूँ मैं, और ये सिर्फ शयन करते वक्त ही पहनते हैं ये वाले ड्रेसेस। तो सिर्फ इतनी चीजें थी इस बॉक्स में, आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट बॉक्स। पहले मैं इस चीजों को रख लेती हूँ। मेरे पास
भगवान जी की कोई बड़ी अलमीरा नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि कहीं और भी स्टोर करके सामान रखा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो है सामने है बस भगवान की जो ग्रंथ है धार्मिक, वो अलग रखी हुई है। ठंड के कपड़े भी हमने अलग से स्टोर कर दिए हैं आप, क्योंकि गर्मी आ गई है। बाकी हर चीज़ भगवान की यहीं पर है। अब देखते हैं सेकंड वाला बॉक्स। ये काफी बड़ा है, जो पिंक वाला देखा वो छोटा था, ये उनसे बड़ा साइज है। इसमें बाकी वस्त्र हैं और इसमें सारे भगवान के वस्त्र हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड्डू गोपाल के हैं, सारे देवी देवताओं के वस्त्र हैं। ये जो पैकेट है इसमें राम दरबार, लक्ष्मी माँ, उनके ड्रेसेस हैं छोटे छोटे, सारे ब्लाउजेस के साथ, राधा रानी, ये सब ड्रेसेस है जो काफी छोटे हैं। उसको मैंने एक बैग में करके ऐसे रख दिया है। ये ब्लैंकेट है, इस बैग में सारी बिंदी की कलेक्शन है जो उनके श्रृंगार में यूज होती है। तो बाकी सामान तो आप पहले देख चुके होंगे, किसी ना किसी श्रृंगार में, किसी ना किसी पर्व में जो भी ड्रेसेस भगवान को पहनाते हैं। ये प्लास्टिक बैग में करके रखे हुए हैं, जैसे आते हैं ये वैसे ही रखती हूँ मैं, फेंकती नहीं हूँ के बैग्स। ये भी मैंने धुले थे, ऐसे पैक करके रख दिया है सारे ड्रेसेस को। ये कुछ भगवान के आसन हैं, ब्राउन कलर, मरून कलर, ब्लू कलर, स्काई ब्लू। ये सारे ब्लाउज पीसेस हैं जो मैंने अमेजोन से मंगाए थे। इसका येलो कलर मंदिर में ऑलरेडी वसंत पंचमी में आसन की तरह यूज किया हुआ है। बाकी सारे एकदम न्यू हैं जो मैं आगे की वीडियोस में शो करूंगी। ये सारे लड्डू गोपाल के ड्रेसेस, उनके मॉस्किटो नेट, उनके दूध की बॉटल का कवर, ये युगल सरकार का हैवी ड्रेस आपने न्यू ईयर पे देखा होगा, श्रृंगार में, मकर संक्रांति के वीडियो में देखा होगा, जब लड्डू गोपाल का हमने बर्थडे मनाया था तब उनको ये पहनाई थी। ये सारी लड्डू गोपाल की ड्रेसेस हैं। तरीके से आप ऑर्गेनाइज करके रखो, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ड्रेस हमेशा नए की तरह रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारी ड्रेसेस मेरी अभी की अभी खरीदी हुई है, कुछ एक साल पुरानी, कुछ दो साल पुरानी। फ्रेंड, जितना अपना सामर्थ्य है हम उसी प्रकार से सेवा करें तो बेहतर है। ईश्वर हमारे भाव के भूखे हैं, बार बार मैं बोलती हूँ। और एक बहुत जरूरी बात कि किसी भी वीडियो को देखकर आप ऐसा शॉपिंग के लिए इन्फ्लुएंस ना होए। सबके अलग जरूरतें हैं, सबकी अलग तरीका है भगवान का श्रृंगार करने का, पूजा करने का, सेवा करने का। उस हिसाब से लोग अपने सामर्थ्य के हिसाब से खर्च करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप मेरी वीडियो देखें और आपको ऐसे बॉक्सेस भी लेने हो या ऐसे ड्रेसेस भी लेने हो। आपके पास अगर भगवान की दो जोड़ी ड्रेस है और आपका उतना सामर्थ्य है तो वो भी आपके लिए बहुत है और ईश्वर उससे भी प्रसन्न रहेंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, किसी की भी वीडियो देखकर इन्फ्लुएंस नहीं होए शॉपिंग के लिए। आजकल मार्केट में हर चीज आ गई है, कितनी भी शॉपिंग कर ले कोई ना कोई चीज तो आपको कम पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए शॉपिंग पे ध्यान ना देकर ईश्वर में ध्यान दे तो बेटर है। हाँ, जितना भी सामान है उसको मैनेज करने के लिए आपकी जो जरूरत है उसे पूरा जरूर करें। मुझे जरूरत थी, ये सारे सामान इधर उधर मैं रखती तो वो खराब होते, डस्ट लगता,
उनको मैनेज करना जरूरी है। तो आप आगे भी देखोगे मेरे पास कोई फ्यूचर में कोई अलमीरा या कुछ भी लाने का कोई प्लान नहीं है भगवान के लिए। जो है ये है और जो रहेगा यही रहेगा। ज्यादा ज्यादा श्रृंगार का सामान, पूजा का सामान ये सब देखोगे आप, या सजावट का सामान देखोगे। पर हमेशा हमें यही ध्यान रखना है कि ईश्वर हमारे भाव के भूखे हैं। अब आइए ट्रंक देख लेते हैं। इसमें भी कुछ सामान है जो लड्डू गोपाल से भी जुड़े हुए हैं और अन्य पूजा की भी सामग्री है। सारी चीजें आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखी होगी। नए परचेज किया हुआ कुछ भी नहीं, एक्का दुक्का सामान होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये है आसन जो अमेजोन पे डाइनिंग टेबल रनर के नाम से मुझे मिला था, बट मैं इसे डाइनिंग टेबल पे यूज नहीं करती हूँ, मैं भगवान के पूजा में यूज करती हूँ। सिर्फ एक वीडियो बनाया था कि डाइनिंग टेबल को कैसे डेकोरेट करना चाहिए, उसमें यूज किया था। नहीं तो ये सिर्फ भगवान की पूजा में ही यूज होता है। ये भी है भगवान का आसन, ये भी पहले आपने देखा होगा। इतना खूबसूरत आसन मैंने कभी नहीं देखा। लड्डू गोपाल का छोटा सा छाता है, क्यूट सा, इसमें लाइट भी जलती है। ये सारे भोग लगाने की उनकी चौकी है। मेरे पास दो सेट है, एक तो ऐसे मीनाकारी वर्क वाली वुडन और एक मार्बल की। मार्बल की मैंने मंदिर में रखी है, आपको देखना है तो वसंत पंचमी स्पेशल मंदिर टूर आप देख लीजिए, उसमें दिखेगा। और बाकी मैंने रख ली है, तो कभी ये यूज करती हूँ कभी वो भी यूज करती हूँ, ऐसे रोटेट कर करके आप यूज कर सकते हो। ऐसी रखी हुई है मंदिर में, अभी मैं इनपे भोग लगाती हूँ। ये होम सेंटर से मैंने डेकोरेट करने का एक आइटम लिया था। इसमें आप कोई भी इत्र या अतर मिला के रख सकते हैं प्लेट में, और बहुत खुशबू भी देता है और ये अच्छा लगता है। इसे मैंने यूज नहीं किया, किसी पूजा में डेकोरेट करने के काम में लाऊंगी। ये सारे आसन हैं, छोटे छोटे डेकोरेटिव दुपट्टे, ये सारी चीजें दिख रही होंगी आपको। ये बर्तन जो भी यूज में डेली नहीं आता है, कभी कभी आता है, वो सब इधर रखे हैं। छोटे छोटे वाले, बड़े वाले किचन में रखे हैं। किचन ऑर्गेनाइजेशन या किचन टूर का वीडियो आप मेरा देखोगे तो उसमें दिख जाएगा कि मैं पीतल के बर्तन किचन में कैसे रखती हूँ। बाकी छोटे बर्तन मैंने इसमें रखे हैं। कुछ गेहूं है, चावल है, और इधर लड्डू गोपाल जी का बेड है, ये थोड़ी सी बेडिंग है, और ये भजन है, कुछ प्रिंट आउट्स वो रखे हुए हैं मैंने, बस इतना ही है। इसको मैं वापस अरेंज कर देती हूँ। आपके सामने ही मैं अरेंज कर रही हूँ, आप देखो बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है। जो चीज जहां पे थी मैंने निकाल के आपको दिखाया और वैसे ही रख दूंगी, और जब भी जरूरत होगी तो आपको मिल जाएगा तुरंत। इसके साथ मैं विदा लेती हूँ। पसंद आए जरा भी तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, पूजा पाठ से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हरे कृष्णा।